तो शुरू करते हैं आज का न्यूज़। 3 मार्च, पहला न्यूज़ देखिए। अच्छा, साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज़ होती है संडे को ज़्यादातर। पहला न्यूज़ देखिए, चाइनीज न्यूक्लियर कार्गो हेडिंग टू पाकिस्तान सीज्ड। तो चाइना से कहाँ जा रहा था? पाकिस्तान। तो मुंबई में कस्टम डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया, जो कार्गो जा रहा था, मतलब जो माल जा रहा था पाकिस्तान, उसको क्या कर लिया? सीज कर लिया। क्यों सीज कर लिया गया? क्योंकि इसमें क्या था कि जो जो इसमें सीएनसी मशीन है, उससे क्या करेगा कि जो मिसाइल है, मिसाइल के पार्ट्स वगैरह को बनाया जाएगा पाकिस्तान में। और जो डॉक्यूमेंट था, वो डॉक्यूमेंट गलत दिया गया था, मतलब डॉक्यूमेंट कुछ और, माल कुछ और था। तो इसी सस्पेक्ट पे क्या किया गया, इंडियन ने सीज कर लिया। ठीक है ना, थोड़ा सा समझते हैं। कहाँ से भेजा गया था? चाइना के माल्टा पोर्ट से सियालकोट, पाकिस्तान। चलिए देखिए, इन द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ डुअल यूज आइटम्स फ्रॉम चाइना दैट कुड बी यूज्ड इन पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम टू एडवांस कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय जीकेडी इटली। तो इटली से बना हुआ ये डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, सीएनसी। कहाँ भेजा जा रहा था? कराची पोर्ट पे, जिसको क्या कर लिया गया, सीज कर लिया गया। कहाँ पे? मुंबई पोर्ट में, जनवरी में ही किया गया था। अब देखिए, सीएनसी का मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्स। इसे होता क्या है? तो ये एक ऑटोमेटेड कंट्रोल ऑफ टूल्स है, मतलब कि जैसे ड्रिल करना है ना, लैथेज करना है, मिल्स करना है, ग्राइंडिंग करना है, ठीक ना, राउटर्स करना है, या 3D प्रिंटिंग करना है। तो ये क्या है कि आपको जो भी करना है सेट कर दिया कंप्यूटर पे, प्रोग्राम फिक्स कर दिया, और कंप्यूटर उसके अनुसार क्या करेगा, काम आपका कर देगा ऑटोमेटेड। ठीक ना, ये हो गया। और दूसरा काम क्या है इसका, डुअल यूज है, तो ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल्स इनटू स्पेसिफिक शेप्स बेस्ड ऑन कोडेड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जैसे उसमें कोई मेटल डाल दिए, प्लास्टिक डाल दिए, लकड़ी डाल दिए, अब उस मटेरियल का आपको जिस तरह का शेप चाहिए, ये डिवाइस क्या करेगा, उस तरह का शेप बदल के आपको दे देगा। समझे, जैसे लकड़ी डाले आपको, जैसे मान लो कि कैट का खिलौना बनाना, तो वो अपने आप कैट का खिलौना बना के दे देगा। समझे, इस तरह का डिवाइस है। चलिए दूसरा देखिए, ये साइंस रिलेटेड न्यूज है। अच्छा, इसका नाम क्या है? स्ट्रिप्ट मार्लिन। ये क्या करता है? जब हंटिंग करता है, हंटिंग मतलब जब शिकार करता है फिश का, सार्डाइन फिश है। क्या है? सार्डाइन फिश, छोटी छोटी मछली होती है जैसे ये, तो इसको जब शिकार करती है तो क्या करता है कि अब ये है, अब इसके साथ में और भी है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को चोट ना पहुंचे तो क्या करेगा, अपने आप को कलर चेंज कर लेता है। समझे, एकदम ब्राइटनेस कलर हो जाएगा तो सबको दिखेगा, एक दूसरे दोस्त को। फिर ये क्या करेगा, हंटिंग करेगा, मतलब मछली का शिकार करेगा। यही न्यूज है, अब समझते हैं। अच्छा, स्ट्रिप मतलब समझते हो, स्ट्रिप मतलब था पट्टी। अगर फिश को देखो तो ये पट्टी टाइप का दिख रहा है आपको, इसलिए इसका नाम है स्ट्रिप्ड फिश, और है भी ये पट्टी की तरह। चलो आगे देखते हैं। स्ट्रिप्ड मार्लिन किसका नाम है, आर सम ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल्स ऑन द प्लानेट एंड वन ऑफ द ओशियंस टॉप प्रीडेटर्स। तो जितने सारे फास्ट एनिमल है, सब में से तेज में से एक ये भी एनिमल्स है। कौन? स्ट्रिप्ड या स्ट्राइप्ड भी बोलिए, स्ट्राइप्ड मार्लिन। और क्या है ये, ओशियन में टॉप प्रीडेटर्स में, मतलब शिकार करने में टॉप पे आता है। व्हेन हंटिंग इन ग्रुप्स इंडिविजुअल्स मार्लिन विल टेक टर्न्स अटैकिंग स्कूल्स ऑफ प्रे फिश वन एट ए टाइम। तो क्या करता है कि जब ये ग्रुप में है, ग्रुप में शिकार करेगा, तो इंडिविजुअल मार्लिन जो है, मतलब कोई जैसे चार पांच है ये लोग, तो एक क्या करेगा, एक ग्रुप पे अटैक करेगा, दूसरा दूसरे ग्रुप पे, ऐसे करके एक समय में अटैक करता है जिसके ग्रुप पे।
कहता नाउ ए न्यू स्टडी, ठीक ना, एक नया स्टडी आया है, हाउ दे माइट कोऑर्डिनेट्स दिस टर्न टेकिंग स्टाइल ऑफ अटैक ऑन देयर प्रे टू अवॉइड इंजरिंग इच अदर। तो कैसे ये अटैक करता है और एक दूसरे से इंजरी होने से बचता है, मतलब चारों एक साथ जाएगा क्या होगा, एक दूसरे को इंजरी होगा, तो इससे बचने के लिए क्या करता है। तो देखिए, द की इज अ रैपिड कलर चेंज, तेजी से क्या करता है, अपने रंग को बदलता है। स्टडी कहता है द वे रैपिड कलर चेंजेस एज ग्रुप्स ऑफ मार्लिन हंटेड स्कूल्स ऑफ सार्डिन्स, द ऑथर्स फाउंड दैट द अटैकिंग मार्लिन लिट अप एंड बिकेम फार ब्राइटर देन अदर्स एज इट मेड इट्स अटैक एंड द कलर रैपिडली रिटर्न टू इट्स नॉन ब्राइट कलरेशन आफ्टर द अटैक। तो ये क्या करता है, जब अटैक किया, ठीक है ना, जब अटैक करेगा तो क्या करेगा, कलर चेंज करेगा, ब्राइटनेस हो जाएगा, और जब अटैक हो गया, काम खत्म हो गया, तो फिर क्या होगा, डी कलराइजेशन होगा, फिर ब्राइटनेस अपना घटा लेगा, मतलब फिर कलर जैसा था वैसा आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अब ये है कि ए ग्रुप ऑफ सार्डाइंस, जो फिश को अटैक करता है ना, वो सार्डाइन फिश है, ये क्या है, इसको सोल भी बोलते हैं, स्कूल भी बोलते हैं, और ट्रूप मतलब एक सेना के रूप में होता है। तो सार्डाइंस आर स्मॉल आयली फिश, कैसा फिश है, आयली फिश है, दैट आर पार्ट ऑफ द हरिंग फैमिली, कैलिपेड, ये फैमिली इसका है। दे आर फाउंड इन द पैसिफिक ओशियन एंड नियर कोस्ट रिका, तो ये पाया कहाँ जाता है, द पैसिफिक ओशियन में और कोस्ट रिका। कोस्ट रिका क्या है जी, कोस्ट रिका एक लिख लीजिए कंट्री है, साउथ सॉरी सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में कंट्री। नेक्स्ट न्यूज देखिए, ये ऑरेंज के बारे में दिया है, सभी को पता होगा ऑरेंज के बारे में। तो ऑरेंज में जो टेस्ट आता है किसकी वजह से आता है, तो 26 कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लेवर ऑफ ऑरेंज के लिए। तो 26 कंपाउंड में से 7 केमिकल्स का जिक्र किया गया, 7 केमिकल्स, जिसको क्या बोलते हैं, एस्टर, क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। चलो इसी के बारे में जिक्र किया गया है, कैसे टेस्ट आता है। देखिए, रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड की कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेवर ऑफ ऑरेंज, कि ऑरेंज में फ्लेवर कैसे आता है, अलग अलग तरह का ऑरेंज में फ्लेवर चेंज होता है। तो 179 जूस का सैंपल लिया गया, जिसमें रिसर्चर्स ने क्या पाया कि 26 कंपाउंड्स वाइटल टू ऑरेंज फ्लेवर, कि 26 कंपाउंड क्या है ऑरेंज फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंक्लूडिंग 7 एस्टर्स दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम मंडारिन फ्लेवर, और 7 इसमें जो है केमिकल्स, जिसे एस्टर भी कहा जाता है, वो क्या है, तो मंडारिन फ्लेवर को और फ्लेवर से अलग करता है, कौन, 7 जो केमिकल्स है जिसको एस्टर बोलते हैं। अब देखो, ये जो एस्टर है, 7 केमिकल्स, इसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, ये ज्यादा, तो एसाइल ट्रांसफेरेज जीन क्या है, सॉरी, ये अल्कोहल एसाइल ट्रांसफरेज जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग दिज एस्टर्स। अब एस्टर क्या होता है, तो देखिए एस्टर क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक ना, जो किससे बनता है जी, नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब, तो ये एसिड और अल्कोहल से बनता है, कौन जी, एस्टर। तो होता क्या है इसमें, कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ओ एच ग्रुप, ओ एच ग्रुप को रिप्लेस कौन कर देता है, ओ आर, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, तो ये रिप्लेस हो जाता है ये जगह, ठीक है, समझ में आ रही है। तो यस सर, ओ एच जो था वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे ये देखिए, और यहाँ पे था हाइड्रोक्सी, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था ओ एच, तो अब यहाँ पे क्या हो गया बताओ, ओ आर और मतलब अल्कोक्सी ग्रुप, यही होता है एस्टर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब चेंज हो जाता है। चलिए ठीक है, अब कहता है कि एस्टर का जो बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इंडस्ट्री में, जैसे फ्रेग्रेंस जो यूज होता है, फ्रेग्रेंस समझते हैं, परफ्यूम, फैट्स, ऑयल्स और एक्सप्लोसिव मटेरियल और प्लास्टिक्स में यूज होता है किसका, एस्टर का।
मतलब वो जो केमिकल कंपाउंड है तो उसमें क्या करेगा, ओ एच ग्रुप जो है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओ एच को किससे रिप्लेस कर देगा, ओ आर। नेक्स्ट न्यूज देखिए, व्हाट विल गगनयान चेंज फॉर इंडिया। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन में दिया हुआ है, एक्सप्लेन करके इसको समझते हैं। कहता है कि 27 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने पब्लिसाइज किया था, क्या चीज है, फाइनल शॉर्ट लिस्ट किया था कि कौन सा कैंडिडेट जो है एस्ट्रोनॉट्स के लिए जाएगा, ठीक है ना। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन में 4 क्रू मेंबर जाएंगे। तो इस फ्लाइट का मिशन का क्या नाम है, गगनयान। ये गगनयान मिशन जो है याद रखना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, आदमी को ले जाएगा। किसका है जी, इसरो का है कि नासा का है, इसरो। द फर्स्ट क्रूड फ्लाइट ऑफ द मिशन इज शेड्यूल्ड फॉर 2025, मतलब 2025 में ये शेड्यूल किया गया, 2025 में चलेंगे ये। तो इसके लिए 2 टेस्ट किया गया, तो पहला टेस्ट सफल हो गया, आप लोगों ने देखा था क्रायोजेनिक इंजन लगा जलाया था। अब आगे देखिए, व्हाट इज गगनयान, गगनयान क्या है, तो गगनयान इज द नेम ऑफ इसरो मिशन, इसरो का एक मिशन है, किस लिए, तो टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू लो अर्थ ऑर्बिट्स फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑन बोर्ड एन इंडियन लॉन्च व्हीकल। तो इंडिया का जो लॉन्च व्हीकल है कौन सा जी, GSLV-3। तो इंडिया का लॉन्च व्हीकल होगा, इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स होंगे और ये क्या करेंगे, अर्थ के लो ऑर्बिट में जाएंगे और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेंगे। कितना दिन के लिए है जी, 3 दिन ठीक है। अब देखो टेक्निकली क्या है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है, मतलब बस एक देखना चाह रहा है कि इंडिया का जो जो टेक्नोलॉजी है कैसे काम कर रहा है, इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन रखा गया है। मतलब आप कह सकते हैं इट इज ए टेस्ट, सिर्फ टेस्टिंग किया जा रहा है। इट विल टेस्ट वेरियस टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो इसमें क्या क्या टेस्ट होगा, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक ना। तो जो कि क्या होता है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है स्पेस फ्लाइट के लिए। तो इस चीज को टेस्टिंग करेगा इस दौरान, डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान, एंड डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज फेमिलियरिटी विथ देयर प्रोडक्शन क्वालिफिकेशन एंड यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है इस चीज को देखा जाएगा कि इंडिया का प्रोडक्शन क्वालिफिकेशन और यूज कितना हो पा रहा है उसके टेक्नोलॉजी का इसरो के द्वारा, ठीक है। तो लास्ट ईयर नरेंद्र मोदी ने क्या बोला इसरो को, बोला कि इंडिजिनियस स्पेस स्टेशन बाय 2035, मतलब कि 2035 में क्या हो, इंडिया का स्पेस स्टेशन हो, और 2040 में क्या हो कि इंडियंस जो है मून पे लैंड करे, समझे। तो पहला चंद्रयान मिशन था जो चांद पे पहुंचा, अब क्या है कि अब जाएगा कहाँ पे, अर्थ के ऑर्बिट में जाएगा इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स। और फिर 2040 में क्या प्रोग्राम है कि चांद पे कौन जाएगा जी, इंडियंस। चलो अब देखते हैं कंपोनेंट्स क्या हैं इसके गगनयान मिशन, गगनयान जो है इसके, एक सेकंड दीजिए, बस कहता व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गगनयान। तो गगनयान कंप्राइजेस द फॉलोइंग कंपोनेंट्स असाइड फ्रॉम द HSFC। HSFC क्या था, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऐसे कुछ करके है। तो उसके अलावा क्या क्या है, तो लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, तो कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया जाएगा जी, Mark 3, ठीक है। तो ये क्या है, द LVM-3 इज लॉन्च व्हीकल, ये लॉन्च करेगा रॉकेट को। अब कहता है कि फॉर्मरली कॉल्ड द GSLV-MK-3, तो पहले इसको क्या बोलते थे, GSLV-MK-3 वही है, LVM जिसको बोलते हैं वही है GSLV-MK-3, पहले इसको बोला जाता था। ये 3 स्टेज का रॉकेट है, ये याद रखना है थोड़ा सा। पहला स्टेज देखिए, 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स स्ट्रैप टू द रॉकेट को। अगर याद होगा आप लोगों को कि ऐसे जो रॉकेट होता है तो साइड से क्या है, छोटा सा रॉकेट टाइप का लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं जी, बूस्टर। याद है आप लोगों को, फिगर में देखे होंगे ऐसा, ठीक ना, साइड से नहीं लगाया जाता था बूस्टर। तो 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर, इसमें जो बूस्टर है इसमें जो फ्यूल यूज होगा कौन सा, सॉलिड फ्यूल, ठीक है, जो रॉकेट से लगा होगा। सेकेंड स्टेज क्या है, तो लिक्विड फ्यूल्ड एंड क्लस्टर्ड विकास
टू इंजिन। तो इंजिन जो यूज किया जाएगा यहाँ पे, जो इंजिन यूज किया जाएगा, कौन सा इंजिन यूज होगा जी? विकास इंजिन। और इसमें जो फ्यूल होगा कौन सा? लिक्विड फ्यूल। ये मैंने डिटेल्स में बताया आप लोग को, याद होगा लिक्विड फ्यूल्स यूज किया जाएगा। थर्ड स्टेज जो इसका है क्या है? तो क्रायोजेनिक इंजिन। यहाँ पे जो है कौन सा इंजन यूज होगा? तो CE20 इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन। और इसमें कौन सा इंजन यूज होगा? CE20, ठीक है ना, इंडिजीनियस क्रायोजेनिक, इंडिया के द्वारा ये इंजन बनाया जाएगा। और इसमें जो फ्यूल यूज होगा कौन सा? तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। क्या होगा? लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज किया जाएगा। तो ऑक्सीजन किस लिए यूज किया जाता है जी? फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर के लिए। अब देखो द क्रू ऑफ द फर्स्ट होगा, फर्स्ट फोर एस्ट्रोनॉट्स कैंडिडेट्स, तो चार एस्ट्रोनॉट जो है इसके लिए रिक्रूट किया गया। कौन कौन? प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, है ना? अच्छा, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, और ग्रुप कैप्टन कौन है? शुभांशु शुक्ला, ठीक है। ये जो विंग कमांडर, ऑल ऑल इन द इंडियन एयरफोर्स, सारे लोग क्या है? इंडियन एयरफोर्स है। कहता व्हेन गगनयान वाज अप्रूव्ड, द इंडियन एयरफोर्स प्रिपेयर्ड ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर ट्रेंड एट द इंडियन एयरफोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन। तो जब ये गगनयान मिशन को अप्रूव किया गया तो बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स को क्या किया गया? भेजा गया था इंडियन एयरफोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, मतलब ट्रेनिंग के लिए। बाद में शॉर्ट लिस्ट किया गया जिसमें चार जो है, तो जो अभी ऊपर में नाम बताया, इनको कहाँ भेजा गया? रसिया भेज गया एडवांस ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, इनके साथ में क्या जाएगा? एक जायनॉइड भी जाएगा। जायनॉइड क्या है? एक रोबोट है, ठीक है। इस रोबोट का नाम क्या है? व्योम मित्रा। क्या नाम है? व्योम मित्रा। ये एक फीमेल रोबोट है, इंडिया के द्वारा ही बनाया गया व्योम मित्रा। ये क्या क्या चीज को करेगा? तो सेंसर टू ट्रैक द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन को ट्रैक करेगा, वेटलेसनेस को, वेट घट रहा है बढ़ रहा है इस चीज को, उसके बाद साउंड अलार्म, ठीक ना, इमरजेंसी के समय में, और इसके अलावा और भी सारे काम करेंगे व्योम मित्रा। चलिए, तो यही तक था आज की न्यूज, ठीक है ना? तो कल देखते हैं, टेस्ट जो है आपको 1 से 2 घंटे में जो है अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप आज का टेस्ट भी दे सकते हैं 3 मार्च का। चलिए, कल मिलते हैं।